बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन हिट स्टोरी के साथ मैं हूँ शमशाद मांगट। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरमा नसरीन साहिबा। इनके साथ बड़ा जुल्म हुआ। इनके भाई कांस्टेबल थे इस्लामाबाद पुलिस में, मोहम्मद फाजल उनका नाम था। उनको पंजाब पुलिस ने एक पुलिस मुकाबले में मारा, हालांकि वो इस्लामाबाद पुलिस के अहलकार थे। हम इनसे जानना चाहेंगे, मोहतरमा ये बताइएगा कि वो तो इस्लामाबाद पुलिस के एक अहलकार थे, कांस्टेबल थे, क्या इस्लामाबाद पुलिस ने पंजाब पुलिस को, पिंडी पुलिस को नहीं जाके बताया कि ये हमारा अहलकार है, जो जिस जुर्म का आप इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इस जुर्म में तो ये मुलव्वस नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सर कि आपने मुझे स्टूडियो में तलब किया। तो सर, मेरा भाई इस्लामाबाद पुलिस में मुलाजम था। मरी में जो वकूह हुआ है वो पिंडी पुलिस ने किया, लेकिन पिंडी पुलिस ने बाकायदा कोई इतला हमारे महकमे को नहीं दी कि आपका मुलाजम है, इसको हम अरेस्ट कर रहे हैं या जो भी है। जिस दिन ये वकूह हुआ तो मेरा भाई उस दिन ऑन ड्यूटी था, मेरे पास रिकॉर्ड सबूत मौजूद हैं। सही है। उसका बेटा भी 16 तारीख को पैदा हुआ। तो जब इन्होंने मुलवस कर लिया तो फिर ये खुद अपनी एक रिपोर्ट को वज़ीर आज़म की रिपोर्ट में लिख रहे हैं कि जनाब, हमने जब लोकेशन चेक किए तो फजरेम की लोकेशन जो है वो पुलिस लाइन की आ रही है, लेकिन पुलिस लाइन की इसलिए आ रही है कि उसकी बहन और भाई इस्लामाबाद पुलिस और अकेडमी में मुलाजम है, तो हो सकता है ये उनके पास गया हो, बल्कि ये नहीं लिखा कि वो इस्लामाबाद पुलिस का मुलाजम है। अच्छा मोहतरमा, मुझे ये बताइएगा कि कहा जाता है कि वो जमीनों का तनाजा था मरी में, जिसकी वजह से वहां पर झगड़ा हुआ और मुलवस इसको कर दिया गया, उसके पीछे कौन लोग थे जो मरी की जमीनों का झगड़ा था? जी, वो एक दो ग्रुप है, शोकत इमरान और चंदेब। चंदेब अभी फोत हो चुका है, उनके ये था, और उनके पीछे सदाकत अब्बासी साहब थे, तासब सत्ती साहब थे, और पीटीआई का ग्रुप था। और मेरे भाई को मैं मुलव्वस इसलिए किया गया कि एक सियासी बेस पे, क्योंकि 2015 या 18 के बलदियाती इलेक्शन थे जिनमें मेरे भाई ने वहाँ पे बैलेट बॉक्स नहीं जाने दिए थे, तो उसको उधर तशद्दद किया था। उस तशद्दद की भाई की मदियत में एक FIR भी करवाई थी, जो उस वक्त मुस्लिम लीग के रहनुमा थे, उन्होंने जाके और उसको अप्रिसिएशन दी थी। तो ये अप्रिसिएशन जो है ये मेरे भाई को आज कब्र तक लेगी। नहीं तो जो वहाँ पे कत्ल हुए तो उसकी इंक्वायरी नहीं हुई, उसमें ये साबित नहीं हुआ कि आपका भाई तो ड्यूटी पे था? सर कोई इंक्वायरी नहीं हुई। मैं DIG साहब के पास गई थी, RPO साहब के पास भी गई थी, वहाँ पे भी यही सवाल हुआ था कि कोई ठोस सबूत जिसकी वजह से मेरे भाई ने मर्डर किया, तो वहाँ पे तफ्तीशी ने कहा कि कोई ठोस सबूत नहीं है। वहाँ की जो पुलिस है वो उन्हीं की जैसे कोई खरीदी हुई पुलिस होती है। थाना मरी की पुलिस जो है वो चंद एक लोग हैं वहाँ पे, जैसे खरीदी हुई पुलिस होती है, इस तरीके से उन्होंने रखे हुए और मन मर्जी से जो भी करें वो करना चाहते हैं। मेरे पास तमाम रिकॉर्ड उन दोनों पार्टियों के मौजूद हैं जो एक दूसरे के ऊपर FIR कराते रहे। मेरे भाई का तो ना उस जमीन से कोई तल्लक था और ना उस जमीन की बाबत कोई FIR थी, अगर कोई थी तो साबित कर रहे। तो आपके भाई को इस्लामाबाद से कहाँ से गिरफ्तार किया गया? सर मेरा भाई वकूए के दूसरे दिन 20 तारीख को हम SSP मोहतरम बगवी साहब थे इधर, जब हम उनके पास गए कि सर हम ड्यूटी पे थे तो हमारा नाम FIR में आ गया, तो बगवी साहब ने वहाँ के मुतलका DSP थे उनसे जब बात की, तो मेरे भाई को एक कॉल आती है दफ्तर में, तो वो बाहर निकलता है तो वहाँ से वापस ही नहीं मुड़ता। उसके बाद मुझे पूरा शक था कि ये मुतलका जो ग्रुप है ये इससे अगवा करके ले गया। उसके बाद मैंने हर जगह दरख्वास्तें दी हैं, दरख्वास्तों के बाद 4-5 महीने गुजर गए, तो मुझे एक जगह से इतला मिली कि जो मैडम फरियाल फरीद हैं जिनके मियाँ PM हाउस में SP हैं, कि अगर उनसे मिला जाए तो मेरा भाई ट्रेस हो सकता है, वो मरी में ASP थी। यानी 5-6 महीने आपको पता ही नहीं चला आपका भाई है? नहीं सर, मैं दरख्वास्तें देती रही हूँ, मुझ पर इस दौरान हमले भी होते रहे, मेरी बेटे पे भी हमला हुआ, गाड़ी पे तोड़ा, फायरिंग की, बाजू टूटे मेरे बच्चे के, मुझे लगा। लेकिन कितने अरसे बाद आपको पता चला कि आपका भाई डियाला जेल में है? नहीं सर, जब मैं यहाँ पे कादर कमर साहब थे SSP इन्वेस्टिगेशन लग गया, तो मैं उनके पास गई 31/12/2019 ठीक, उन्हें जाके मैंने बताया, मैंने कहा सर इस तरीके से अगर इन लोगों का रिकॉर्ड, मैंने जिसमें हमारे नाम फरियाल फरीद थी, शोकत था, इमरान था और चंद लोग और थे, अगर इनका रिकॉर्ड निकाला जाए तो मेरा भाई ट्रेस हो सकता है। फिर मैंने एक रिटर्न एप्लीकेशन भी थी, उस एप्लीकेशन के चंद दिनों बाद खबर चल रही है कि जनाब आपका भाई अडयाला जेल से अरेस्ट हो गया, अपना बलूचिस्तान से अरेस्ट हो गया। अच्छा, मैंने ये दरख्वास्त दी कि मेरा भाई बलूचिस्तान तक पहुंचा कैसे, इनका पीछे मकसद क्या था बलूचिस्तान लेके जाने का, उसकी भी इंक्वायरी कोई भी नहीं हुई। अच्छा, और अभी तक भी नहीं हुई। अच्छा मैडम, ये कहा जाता है कि वो जो जमीनें हैं सदाकत अब्बासी पे आपने इल्ज़ाम लगाया, वो ज़मीनें बड़ी कीमती हैं, मोहतरमा फरा गोगी जिनका आजकल बड़ा चर्चा है वो भी वहाँ जाती रही उन ज़मीनों के ऊपर, आपके पास भी ऐसी कोई मालूमात हैं? जी सर, नाम सुनने में आया है, मेरे पास कोई वॉइस मौजूद हैं जो मोहतरम जनाब DIG वसीम कोसर हैं, माजरत के साथ क्योंकि उनके साथ मैं नौकरी भी करती रही हूँ,
उनकी कोई वॉइस भी है कि जी ऑडियो वॉइस भी है कि इंशाल्लाह परेशान ना हूँ, नसरीन को भी बशीर को भी फंसाऊंगा, ये भी है, मैं भी बात कर चुका हूँ उनके पीछे, इमरान और शौकत के पीछे, और मेरी एहसन साहब से भी बात हो गई है, मतलब काफ़ी वो मैं आपको तफसील से वो वॉइस देती हूँ, आप उसको चेक भी कर लें। ये वो वॉइस हम अपने नाज़रीन को सुना भी देंगे ताकि सारा असल खुरा जो है वहाँ तक जाए कि जहाँ पे असल। सर इसमें एक 24 चैनल ने एक फेक न्यूज़ चलाई थी और फरियाल फरीद ने भी उधर एक न्यूज़ चलाई है, वो वीडियो भी मेरे पास मौजूद है। फरियाल फरीद वहाँ लिख रही है कि ये इस्लामाबाद पुलिस से, पंजाब पुलिस से भगोड़ा है, जबकि मेरा भाई तो इस्लामाबाद पुलिस का हाजर सर्वस मुलाजम है, वो भी सबूत मैं आपको देती हूँ। अच्छा फिर उसके बाद ये एहसन यूनुस साहब जो है फिर उन्होंने कहते हैं कि जी उन्होंने ये पुलिस मुकाबला करवाया, वो कैसे हुआ? वो तो बड़े परहेजगार आदमी है एहसन यूनुस साहब। सर मैंने भी यही सुना था कि वो बड़े अच्छे इंसान हैं, मैं उनके पास गई हूँ, मतलब जो भी सीपीओ आते थे मैं उनके पास जाती थी, तो मैं भी गई हूँ कि सारी इस तरीके से एक मुकदमा नंबर 97/19 है जो मकतूल बच्चा था उसामा उसके वालिद ने करवाया था नामालूम पे, तो मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा इस पर भी मैडम फरियाल फरीद ने डाल दिया और ये कतल वाला भी मुकदमा, मैंने कहा सर कोई ठोस सबूत कोई गवाह मतलब कोई चीज़ तो होगी ना जिसके सामने मेरे भाई ने कोई मर्डर किया होगा, मेरा भाई तो ऑन ड्यूटी था, तो उन्होंने मेरी बात सुनने से पहले तो इनकार किया कि मैं नहीं सुनता, मैंने फिर ज़बरदस्ती मैंने कहा सर आप सुनेंगे, जब आप नहीं सुनेंगे तो इंसाफ कैसे होगा लोगों के साथ। मैंने फिर उन्हें कहा, मैंने कहा सर आपके बारे में सुना कि आप बड़े परहेजगार हैं, आप लोगों को इंसाफ देते हैं, उनके PS भी मौजूद थे या सर सब इंस्पेक्टर भी, तो फिर उन्होंने इंक्वायरी एक मार कर दी DSP को, SP ने इंक्वायरी करके तो फिर उसमें ये लिख दिया कि जनाब ये दोबारा तफ्तीश के काबिल है मुकदमे, लेकिन वो तफ्तीश फिर नहीं हुई, तो इस दौरान मुख्तलिफ दरख्वास्तें मैं देती रही हूँ। उस वक्त तक आपका भाई जिंदा था? जी सर जिंदा था, जेल में था। अच्छा तो फिर आपको कैसे पता चला उसको पुलिस मुकाबले में मार दिया गया और कहाँ से इसको उठाया गया आपके भाई को? सर ये था बुध का दिन था, मैं G11 ड्यूटी पे मौजूद थी, तो मीडिया पे एक खबर चली है, मुझे एक बंदे ने मैसेज किया कि मीडिया पे खबर चली है कि आपका भाई जेल से भाग गया, तो मेरी सिस्टर है वहाँ पे, मैंने उनको फ़ोन किया, उसने कहा कोई ऐसी बात मैंने नहीं सुनी, मैंने अपने बिनोई को फ़ोन किया, वो भी उधर स्कूल टीचर हैं, उन्होंने कहा कि मैं अपना जेल में ड्यूटी पे हूँ, मतलब मैं जहाँ पे रबते थे मैंने फ़ौरन रबते किए, तो उन्हें कोई ऐसी बात तो हमने नहीं सुनी। थोड़ी देर बाद ना मीडिया टोटल मीडिया पर लिखा गया कि तेरे मर्डर केस का बंदा अगवा हो गया, डकैत दहशतगर्द पता नहीं क्या क्या इल्ज़ाम लगा के। मैंने वहाँ से ड्यूटी इजाज़त ली, अपने इंचार्ज को फ़ोन किया, इजाज़त ली, इजाज़त लेने के बाद मैं अपारा आई वर्दी चेंज की और वहाँ से मैं गाड़ी लेकर सीधी किराए पे गाड़ी ली टैक्सी और सीधी मरी थाने में चली गई। जब मैं मरी थाने में पहुँची हूँ तो SHO अपने कमरे में था और ASP वकास अंदर बैठे हुए थे, तो गेट पे संतरी से मैंने कहा आज इस तरह को क्योंकि वकूआ इधर हुआ है, तो कहता जी आप वो कहीं शायद मुझे जानता था, उसने कहा आपका भाई अंदर मौजूद है। मैं अंदर चली गई, 7:30 का टाइम था, मैं अंदर चली गई सर, तो आगे रेजिडेंशियल रूम था SHO के रूम के साथ एक, तो वहाँ पे मेरा भाई था जुडिशियल लॉकअप में, नहीं सर ऐसे बैठे हुए, नहीं नहीं अवालात में नहीं, ASP के और SHO मलिक नईम के पास बैठे हुआ था। अच्छा मैंने उधर भाई से मिलने की कोशिश की तो मुझे इन्होंने बाहर निकाल दिया। जब बाहर निकाल दिया तो मैंने दोबारा कहा, मैंने कहा सर मैं अपने भाई के बारे में मिलना चाह रही हूँ कि मेरा भाई यहाँ पे कैसे आ गया, वो तो डेरा जेल से आया था, आपके पास कैसे आ गया? तो आगे से मुझे SHO ने मिलने नहीं दिया, मैंने वहीं थाने में बैठे एक एप्लीकेशन लिखी, एप्लीकेशन लिख के मैंने मोरर को कहा रिसीव करें, मोरर ने रिसीव नहीं की, मैंने स्टैंप लगाई थाने की, स्टैंप लगा के मैं एप्लीकेशन कापी करा के ले आई। ठीक है मैंने उसमें लिखा है कि ये मेरा भाई यहाँ पे, अगर इसको कुछ होगा तो इसके जिम्मेदार ये, इन्होंने निकाला यहाँ से मारने के लिए या जो भी इन्होंने, जाहिर उनका प्लान तो था ना, सुनने में तो हमें आता था क्योंकि इससे पहले भी जेल से निकाला था, मोटरवे रोड पे उसको निकाल के अटकड़ियाँ खोल दी थी कि निकल जाओ, उसकी भी एप्लीकेशन मेरे पास मौजूद है, मैंने दी थी मुतबादल, फिर उन्होंने कुछ भी उसकी इंक्वायरी नहीं की थी। तो जब मैंने ये बात की तो मुझे ASP वकास था, मुझे कहता है उसको SHO का कहता है इसको भी बंद कर दो। मैंने कहा तुम मुझे कैसे बंद कर सकते हो, मैं तो ASP इस्लामाबाद पुलिस से हूँ, मेरे भाई का मसला बना है, मैं यहाँ पे आपसे मदद लेने के लिए आया हूँ कि जिन लोगों ने ये किया है इसको निकाला है या भगाया है या जो भी किया है उनके खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और मुझे वहाँ से भाई से नहीं मिलने दिया। जब मैं कुलडंडा में आई हूँ तो वहाँ पर अनायत ASI मकतूल का वालिद अली जमान और ये पुलिस उधर जमा थी, वो बकायद अली जमान बता रहा था कि मेरे सामने जाके तो आपने हथकड़ियाँ खोली हैं मोटरवे पे, वो वीडियो भी मेरे पास मौजूद है, वो भी मैं आपको देती हूँ वीडियो। तो इन्हें मेरी बात नहीं सुनी, तो वहाँ से मैं तकरीबन 8:30 वापस आ गई, वापस आई, दूसरे दिन मुझे 4 कॉल आती है थाना पारा से, इरशाद अबड़ो हैं SHO, वो कॉल करते हैं कि नसरीन आप थाने में आए, आपके भाई के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है। मैं बड़ी जल्दी से वहाँ पहुँची,
तो वहाँ पे एक अमाद सब इंस्पेक्टर था और नफरी काफ़ी नफरी थी। मेरे पहुँचते ही उन्होंने मुझे अपने हिरासत में कर लिया। अच्छा। मैंने अरशाद अबड़ो को कहा, मैंने कहा अरशाद साहब आपने मुझे बुलाया था कि मेरे भाई का पता चला है तो क्या मसला है? कहते हैं आप इधर बैठे। मैं उनके कमरे में बैठ गई तो वो जो अमाद था वो कहता है इसको हथकड़ी लगो। मैंने उसे कहा, मैंने कहा मैं भी एक पुलिस अफिसर हूँ, आप हथकड़ी मुझे किस लिए लगाएंगे और औरतों को हथकड़ी कहाँ से लगती है? मैंने फ़ौरन अपना फ़ोन जो है वो मेरे मुतलका जो एस पी थे राना वाब साहब, अब्दुल वाब थे या राना वाब थे, एक तो पिंडी में ये नहीं अभी वो आजकल लाहौर में, बड़े नाइस अफसर थे। मैंने उन्हें कॉल की, मैंने कहा सर इस तरीके से ये मसला है। कहते हैं मुझे एस एच ओ से मेरी बात करो। मैंने एस एच ओ से बात की, एस एच ओ को उन्होंने कहा है कि मतलब मेरी ये सही, आप मेरी इजाज़त के बगैर किस तरीके से आप अरेस्ट करवा रहे हैं? ठीक है। उन्होंने मुझे कहा बेटा आप मोबाइल छोड़ना नहीं हाथ से। मैंने मोबाइल हाथ से नहीं छोड़ा, इतने में लाइन अफसर अफरस ये सारे लोग वहाँ पे पहुँच गए और मुझे उनकी हिरासत से छोड़ा। जब हिरासत से छोड़ा तो वहाँ पे आवाज़ फ़ोन पे मेरी अमाद ने व्हाट्सएप पे बात कराई है, वो आवाज़ मुझे या तो वकास की लगती थी या एस एन यूनस साहब की लगती है, मिलती जुलती आवाज़ें इनकी, लेकिन ये अमाद ही बता सकता है कि वो एस एन यूनस साहब थे। से कहते तुम इधर बड़ी सीएसपी लगी हुई हो, सुबह 8 बजे डेड बॉडीयां ले लेना। ये एसएन यूनुस साहब ने आपसे कहा? ज्यादातर आवाज जो अक्सर मेरी बात होती थी वो एसएन यूनुस साहब की आवाज ही लगती थी, लेकिन मुझे इस तरह सही जज नहीं। शाम को उन्होंने कहा कि सुबह 8 बजे डेड बॉडीयां लेना। फिर उसके बाद फिर मैंने अमर ज़ुल्फ़िकार साहब थे आईजी साहब उनके उस पे चली गई, उनको जाके बताया, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। फोन पे ही बात की, फिर मैंने शौकत है सचो था उसको फोन किया है कि इस तरीके से मुझे कह रहे हैं। मुतलका जो जो मेरा थाना था पारा में तो ऑलरेडी इतला थी। फिर थोड़ी देर बाद एक बंदा आता है, कहता है जी आपके भाई पे डीएसपी बाकर के घर पे तशद्दुद हो रहा है G10 में। मैंने फौरन अमाद को फोन किया, मैंने कहा मेरा भाई आपके कब्जे में, तो मैंने कहा मुझे बता दें और मेरे भाई पे तशद्दुद मत करें। ये बात हुई। उसके बाद सारी रात जो है वो हम अपने तौर पर चेक करते रहे कि हम मेरे भाई को मरी से कब निकालेंगे, कब लेके जाएंगे, लेकिन सुबह 8 बजे वाकई उन्होंने डेड बॉडीयां दे दी। वो जो बारा को भी पुलिस मुकाबला हुआ। और उसके बाद फिर आप मिले थे एसएन यूनुस साहब ने से? मैंने सर फोन पे एसएन यूनुस साहब को मैसेज किया कि मैं उन्होंने तो आपसे ये भी कहा था कि मुझे तो पता ही नहीं कि आपका ये भाई था। सर मैं उन्हें कहती रही हूँ कि मैं आपसे इंसाफ मांगती रही हूँ और आपने मेरे भाई को आज मार दिया। मैंने उन्हें फोन पे कहा था कि मैं जाहिर आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगी कि मेरे भाई को आपने मर्डर क्यों करवाया। और ये सच है कि ये डेड बॉडीज फिर बनीगाला इमरान खान के वहाँ भी ले जाई गई थी? सर वो बनीगाला के बिल्कुल करीब ले जाई गई थी। वहाँ पे कोई वो अपने आप को मेजर कहता है लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेजर है। उसने कहा कि जनाब मैंने ये उस पता नहीं किसको दिया था, हालांकि उसमें जो बंदा रह रहा है वो 2015 से मुसलसल रह रहा है। तो एक दिन के लिए वो कैसे बनीगाला ले जाने का लाशों को क्या मकसद था? सर खुदाई बेहतर जानता है, लेकिन जहाँ मेरा है कि वहाँ पे मदईयों ने उस पड़ोस में घर भी लिया हुआ था जो सबका मदई थे आसम अब्बासी लोग, वहाँ पे काम लगाया हुआ था और एक सदाकत अब्बासी और लतासब सती ये भी उन्हीं का रास्ता है। तो सुनने में ये भी आया था सर कि बनीगाला हाउस पे पता नहीं कुछ दिखाने के लिए या क्या किस वजह से लेके गई है। नहीं ये आसम अब्बासी किसके मुद्दई हैं, किसके खिलाफ मुद्दई थे? आसम अब्बासी सर मेरे भाई का मुद्दई था, जबकि ये खुद झूठा इंसान है, ये उधर मौजूद ही नहीं था जिधर मर्डर हुआ। इसने अपने सक्के भतीजे को खुद मरवाया जो कि आज तक बाप को मुद्दई नहीं बनने दिया और ना ही वो यासर के बाप को मुद्दई बनने दिया, उसको हर जगह आगे कर देता मेरे खिलाफ, लेकिन असल हकायक नहीं पता। तो आप इसको किस तरह फिर कह सकते हैं कि एहसन यूनुस और गोगी पिंकी जो है फरा गोगी ये उसका गठजोड़ था, सदाकत अब्बासी भी इसमें मुलव्वस थे उन जमीनों के लिए? सर मेरे पास वॉइस सबूत मौजूद है। अच्छा वॉइस क्लिप मौजूद है। तो नाजरीन बल्कि व्हाट्सएप के मैसेज भी मौजूद हैं। तो नाजरीन मोहतरमा नसरीन के पास जो ऑडियो मौजूद है हम वो भी आपको सुनाते हैं और इसके अलावा व्हाट्सएप पर जो इनके पास मैसेजेस मौजूद हैं वो भी आपको दिखाते हैं। लेकिन ये मामला जो है वो बहुत इंक्वायरी तलब है, इसकी तफ्तीश होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान का मसला ये है। जी जी बात करें कि जिस दिन ये वकूआ था उस दिन मुदईयों ने हमारे घर जलाए थे ना। अच्छा। और मुदईयों ने 24 चैनल पे क्लिप शो किया हुआ है मेरे भाई के नंबर का कि ये क्लिप है, वो मैसेज कर रहा है मुझे कि मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। तो इसका मतलब है कि मेरा भाई फिर उस दिन से उनकी कस्टडी में था। यानी कि 20 को हम पेश हुए तो फोन आता है बाहर जाता है, फिर इसका मतलब है कि वो मेरा भाई मदईयों की कस्टडी में था कि उसका फोन वो शो कर रहे थे। अगर फोन शो कर रहे थे फिर उसकी लोकेशन से पुलिस ने ट्रेस क्यों नहीं किया था, क्योंकि वो मदईयों के कब्जे में ही था। बलूचिस्तान तक कैसे लेके जाया गया, क्यों नहीं इसकी इंक्वायरी हुई?
जी तो नाजरीन मोहतरमा, नसरीन साहिबा का आपने मौकफ सुना कि ये बार बार दरखास्तें देती रही, हालांकि जब इनका भाई जिंदा था उस वक्त इंक्वायरी होनी चाहिए थी, लेकिन अब भी एक इंक्वायरी होनी चाहिए कि आखिर एक पुलिस एहलकार को बिला वजह एक मुकदमे में फंसा कर क्यों मार दिया गया और बेदर्दी से मार दिया गया। फिर इनका जो इल्ज़ाम है कि एहसन यूनुस साहब ने इनको रात को पैगाम दिया कि सुबह 8 बजे अपने भाई की डेड बॉडी ले लेना, ये बहुत संगीन इल्ज़ाम है। उसका सबूत ये है कि उन्होंने फिर मुझे दहशतगर्दी के मुकदमे में मुलव्वज़ कर दिया। अच्छा, और फिर दहशतगर्दी में जब मैं कोर्ट ट्रायल चला रही थी तो दरमियान में इन्होंने किसी बंदे के रेफरेंस से मुझे कहा कि एक एप्लीकेशन दो, मैंने एप्लीकेशन दी तो मुझे फैसल साहब ने कहा कि आप एप्लीकेशन दे के गलती कर रही हो, ये मज़ीद आपको फंसाएगा इस मुकदमे में एहसन यूनुस, ठीक है। तो मैंने फिर वो उनको कहा, मैंने कहा सर मैं GIT अपना दोबारा इन्वेस्टिगेशन नहीं, मैं कोर्ट से ही रिलीव लूँगी, अगर मैं सच्ची हूँ तो कोर्ट से साबित हो जाएगा। उस दौरान सर मैंने अपने IG साहब को एक एप्लीकेशन दी थी कि मुझे सस्पेंड करके इंक्वायरी की जाए, लेकिन वो भी नहीं हुई, क्योंकि जब सस्पेंड होकर इंक्वायरी होती तो हर चीज क्लियर हो जाती। मेरे भाई के मरने के 1 महीने बाद रोजनामचे में रिपोर्ट लिखी जा रही है कि जो बंदा हमारा मुलाजम जुडिशन में था वो फोत हो चुका है, लिहाजा इसकी फोतगी की रिपोर्ट जो है शुदा काउंटर में भिजवाई जाती है। सर हाईकोर्ट ने भी ऑर्डर किए थे कि मेरा मौकफ नोट किया जाए, मैंने अपने मौकफ में जब दिया मौकफ तो उस पर एक इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी के बाद साबित हो गया कि ये 302 है, 302 की एक रिपोर्ट भी लिखी गई है, लेकिन जो फरियाद फरीद जो शुरू में मेरे भाई को मुकदमे में मुलव्वज़ करने वाली थी उनको यहाँ पे एहसन यूनुस साहब की जब पोस्टिंग हुई तो उन्होंने SP इन्वेस्टिगेशन लगाया और उस ASP साहिबा ने 302 हज़फ कर दिया। मुझे आज तक सर 26 साल मेरी नौकरी होगी, मुझे नहीं पता कि 302 का जो मुलज़म होता है बकायदा उसकी इंक्वायरी होती है, या तो वो बेल करा के आए या पुलिस गिरफ्तारी अल्तवा में रखे और इंक्वायरी हो, हर चीज़ साबित होती है कि मेरे भाई को पीछे से गोलियां मारी गई हैं, वो जो लड़का साथ था बाकर उसको भी पीछे से गोलियां मारी गई हैं, 18 और 28 गोलियां मारी गई हैं, और ये अपनी FIR 144/20 थाना बरको में खुद लिख रहे हैं कि फायरिंग हुई, ताले लगे हुए, हमने ताले तोड़े और आमने सामने फायरिंग हुई। अगर आमने सामने फायरिंग हुई है तो मेरे भाई पे तलैया रजैया लगा के घसीट के नीचे तहखाने में फेंका गया क्यों? अभी जब ये एहसन यूनुस साहब चेंज हुए तो नए अफसरान हमारे इस्लामाबाद पुलिस में आए, तो मैं एक सीनियर मोस्ट सीनियर अफसर हैं उनके पास पेश हुई, उनसे रिक्वेस्ट किए कि मेरा जो क्रॉस वर्जन किया जाए, तो वो अभी सुन दो रहे हैं और मुझे 100% उम्मीद है कि वो मेरे साथ इंसाफ ज़रूर करेंगे। अभी वो हाजिर अभी इस्लामाबाद पुलिस में, मुझे यकीन तो है कि वो मेरे साथ इंसाफ करेंगे, लेकिन अगर आपकी तवस्सुत से इंसाफ हो जाए तो सर इससे बड़ी मेरे लिए और खुशबख्ती कोई भी नहीं। जी तो नाज़रीन आपने मोहतरमा नसरीन का मौकफ सुना और इनकी बेशुमार दरख्वास्तें इनके भाई के कत्ल से पहले भी और कत्ल के बाद भी, लेकिन इंसाफ इनको नहीं अभी तक मिल सका। तो नाज़रीन इस पे काफ़ी तहकीकात की ज़रूरत है और ये तहकीकात सुप्रीम कोर्ट करवाए तो कोई इंसाफ हो सकता है, और अपनी निगरानी में करवाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। चूँकि पुलिस के ज़ेरे साया 3 अफराद को मार दिया जाना बड़ा मानी खेज है, और फिर एक खातून जो खुद सरकारी मुलाजम है उसका जगह जगह दरखास्तें देना, हाई कोर्ट तक जाना, फिर हाई कोर्ट के हुक्म पे इंक्वायरी होना और 302 का मुकदमा दर्ज करने के अहकाम भी हो जाने, और फिर एक पुलिस अफसर का 302 को हजफ कर देना, ये बजाते खुद एक बड़े सवालात हैं। और ये सारी चीज़ें उसी वक्त सामने आ सकती हैं जब अदालत उज़्मा इस पर आर्डर करे और गैर जानबदार तहकीकात हों और ये तय हो कि कौन कौन सा पुलिस अफसर था और किसके कहने पर यह 3 अफराद को मारा गया, और खास तौर पर इस्लामाबाद का जो पुलिस एहलकार था उसको किस जुर्म की सजा दी गई और उसकी बहन जो है उसकी दरखास्तों पर क्यों अमल दरामद नहीं हो सका। शमशाद मांगड़ को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।